पूर्व विधायकगण, साथियों, दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम का आयोजन करने में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आप सबका अभिनंदन स्वागत करता हूं। भाई हर्ष जी ने बहुत विस्तार से आपको प्रयाग की अनुभूति क्यों होनी चाहिए इस बारे में, इसके इतिहास के बारे में बताने का काम किया है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय पूर्व अध्यक्ष और जो राज्यपाल भी रहे आदरणीय केसरी नाथ त्रिपाठी ने शुरुआत किया था। पिछले वर्ष भी आपके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ था, अध्यक्ष जी को आना था, नहीं आ पाए, और ये कार्यक्रम आज हो रहा है। इसका थोड़ा व्यापक रूप अगली बार अगर आपका आदेश होगा, निर्देश होगा, तो मैं समझता हूँ और मेरी और मैं समझता हूँ सब विधायकों की भी इच्छा होगी कि अगली बार आप विधानसभा का सत्र यहाँ अगर बुलवा दें, चाहे दो दिन के, तीन दिन के लिए, जो भी अध्यक्ष जी के आदेश से आप लोगों के बातचीत में हल होगा, एक कार्यक्रम होना चाहिए। अध्यक्ष 2022 में चुनाव नज़दीक रहेगा, लेकिन कार्यक्रम किया जा सकता है, तो आप अध्यक्ष जी का भी वर्चुअल संबोधन भी आप लोग सुनेंगे 3 बजे से। वो अध्यक्ष जी आ नहीं पाए, वरना उनको भी आना था विधानसभा अध्यक्ष जी को, तो कार्यक्रम का स्वरूप बड़ा कर देना चाहिए। ये बैठक 8 जनवरी 1887 में यहाँ भी हुई थी, मेहोहाल में भी हुई थी, कई जगहों पर हुई थी। अभी भाई महेश शर्मा जी जो इतिहासकार हैं उनको बहुत गहन अध्ययन है इस बारे में, तो आप राय लेकर के इस कार्यक्रम को आगे आने वाले वर्षों में व्यापक रूप देने का काम करेंगे। इन्हीं निवेदन के साथ अपने साथी विधायकों का, पूर्व विधायकों का, उपस्थित वरिष्ठ साथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए आपको अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।